आज का पाठ अमीर खुसरो के काव्य से संबंधित है। इस पाठ से आप खुसरो के हिंदी काव्य से परिचित हो सकेंगे और उनके हिंदी काव्य रूपों और काव्य की सृजनात्मकता से भी अवगत हो सकेंगे। खुसरो के छंद प्रयोग और संगीत की कुशलता से परिचित हो सकेंगे। खुसरो की हिंदी भाषा के स्वरूप की जानकारी पा सकेंगे। खुसरो ने हिंदी में रचनाएं जरूर की थी क्योंकि इसके अंतःसाक्ष उनकी फारसी रचनाओं में मौजूद हैं। उनकी हिंदी रचनाओं की संख्या कितनी है इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों की राय है कि खुसरो ने फारसी से ज़्यादा हिंदी में रचनाएं की थीं और कुछ का कहना है कि फारसी की तुलना में उनकी हिंदी रचनाएं बहुत कम थीं। गुरतुल कमाल की भूमिका में खुसरो ने लिखा है कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, मैं हिंदी जवान पानी की रवानगी की तरह बोल सकता हूँ, अरबी भाषा की वह मिठास मेरे पास नहीं है कि मैं उस भाषा में बात करूँ। चूँकि मैं हिंद की तूती हूँ इसलिए यदि कोई मुझसे हिंदी में पूछे तो मैं ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता हूँ। इसी मसनवी में उन्होंने अपनी हिंदी रचनाओं के बारे में यह महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि जुज़्बे चांद नज़्मे हिंदवी नीच जसरे दोस्ता करदा शुदा अस्त, यानी कि मैंने हिंदी की कुछ कविताएं और गद्य रचनाएं अपने दोस्तों को भेंट कर दी है। इसके मद्देनज़र ही डॉक्टर गोपीचंद नारंग का अनुमान है कि खुसरो ने हिंदी में रचनाएं की थी लेकिन उनका व्यवस्थित संकलन और संपादन उन्होंने नहीं किया था। बावजूद इसके उनका हिंदी काव्य लोकप्रिय था। उत्तर भारत में खुसरो के हिंदी काव्य से हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के इतिहास का आरंभ माना जाता है। लिपि उन्हें उर्दू से जोड़ती है लेकिन भाषा हिंदवी से। खुसरो के हिंदी काव्य का आधार धर्म नहीं बल्कि उत्तर भारत का व्यापक सामाजिक जीवन और सामाजिक संस्कृति है। मुस्लिम दरबारों के उठ जाने के साथ उनका फारसी काव्य ऐतिहासिक धरोहर बन गया लेकिन उनका हिंदी काव्य जनता के कंठों पर सवारी करता हुआ आज भी अमर है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने खुसरो की हिंदी कविताओं को 12 वर्गों में रखा है जो इस प्रकार है। डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने खुसरो के हिंदी काव्य को ऐतिहासिक कालक्रम के मद्देनज़र 3 खंडों में रखा है। पहले खंड में हिंदी की वे पंक्तियाँ या मिसरे हैं जो अमीर खुसरो की फारसी रचनाओं में फारसी भाषा के हमजोली के रूप में आए हैं। ये सबसे प्रामाणिक अंश हैं क्योंकि इनका संकलन स्वयं खुसरो ने किया था। उल्लेखनीय है कि गुरतुल कमाल की भूमिका में उन्होंने मारी मारी विरह की मारी आरी, दुर 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 मुए, दही लेहो, है तीर मारा, नाही नाही आदि हिंदी वाक्यों और पदों का प्रयोग किया है। दूसरे तरह की रचनाएं नारंग जी उन्हें मानते हैं जो खुसरो की वे हिंदी रचनाएं जो उनके परवर्ती साहित्यकारों और विद्वानों द्वारा उद्धृत हैं। मसलन दक्कन के प्रसिद्ध कवि वजही ने अपने सबरस में अमीर खुसरो की यह पहेली उद्धृत की है कि पंखा होकर मैं डुली साकी तेरा चाओ, मुझ जलती जन्म गया तेरे लेखन बाओ। इसी प्रकार उर्दू के प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर ने अमीर खुसरो का कता उद्धृत किया है जिसमें कुछ घड़िए सवार ये पुकारा फिर कुछ न संवारा, हिंदी के टुकड़े जड़े हैं।
जी हाल ए मिसकी तगा फुल चुराए नैना बनाए वतिया वाला मिश्रित छंद इसी प्रकार का है। तीसरी तरह की रचनाएं वे हैं जिसमें खुसरो की वे हिंदी रचनाएं हैं जो लोकप्रियता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अपना भाषाई चोला कुछ न कुछ बदलती रही हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर नारंग की यह बात गौर करने के लायक है कि अमीर खुसरो का हिंदवी काव्य अपनी लोकप्रियता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है और इन 7 शताब्दियों में वह हमारी लोक परंपरा या लोक साहित्य का अंग बन गया है। लाखों करोड़ों जवानों पर चढ़ने से उसमें संशोधन परिवर्धन अवश्य हुआ होगा। संभव है कि अमीर खुसरो से संबद्ध काव्य के कुछ अंश मौलिक हों, किंतु कई अंश निश्चय ही ऐसे भी हैं जिन्हें कालांतर में बढ़ाया जाता रहा है। इसलिए ऐसे काव्य की समीक्षा करते समय ऐतिहासिक तथा भाषाई दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर दृष्टिपात करना होगा। इसी आधार पर हुक्के, चीलम, बंदूक वाली पहेलियाँ और मुकरियाँ खुसरो की नहीं मानी जाती हैं। खुसरो के नाम पर सैकड़ों की संख्या में पहेलियाँ प्रचलित हैं। वे 2 रूपों में मिलती हैं। वे पहेलियाँ जिनके उत्तर श्लेष के रूप में उनकी रचना में छिपे होते हैं, अंतरलापिका कहलाती हैं। जिन पहेलियों के उत्तर रचना में दिए गए लक्षणों के आधार पर बाहर से ढूंढना पड़ता है, उन्हें बहिर्लापिका कहा जाता है। दूसरे प्रकार की पहेलियों में श्रोता की कल्पना शक्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, प्रत्युत्पन्न मति, दिमागी कसरत की अधिक अपेक्षा की जाती है। इनमें कहीं कहीं खुसरो के नाम की छाप है और कहीं नहीं है। खुसरो के नाम छाप वाली 2 पहेलियाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तरवर से एक तेरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यों कहें, अपने नाम न बोली निभोरी। एक अनोखा गिरह बनाया, ऊपर नींव नीचे घर छाया, बांस न बल्ली बंधन घने, कहो खुसरो घर कैसे बने। लोक जीवन और लोक व्यवहार की जमीन पर खुसरो ने सामान्यतः अपनी पहेलियों की रचना की है। वे सापेक्ष वस्तुओं को पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों में छिपाकर पहेली की रचना करते हैं। वे अपने अलंकार शास्त्र ज्ञान से पहेली के भीतर सामाजिक संबंधों के लोकमान अर्थ की रक्षा भी करते हैं। उत्तर भारत के शहर से लेकर गांव का हर आदमी नीम और उसके फल निबौली के बारे में जानता है। दोनों के बीच जनक और जन्या का संबंध है। पिता और बेटी के रिश्ते में इस पहेली को रचने का औचित्य यही है। दूसरी बात, भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है, जिसमें बेटा और बेटी के नाम के साथ माँ का नाम नहीं बल्कि पिता का नाम चलता है। नीम निबौली को बाप और बेटी के घरेलू आत्मीय रिश्ते में बांध देने के कारण पहेली में कथात्मकता के साथ अपनापन और सरसता आ गई है। अमीर खुसरो की पहेलियों की सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता, रमणीयता और सरसता का मुख्य कारण पारिवारिक सामाजिक संबंधों की जमीन पर उन्हें रचने की समझ और कलात्मकता है। मुकरी का अर्थ है मुकर जाना या इनकार कर देना। मुकरी भी एक प्रकार की पहेली होती है, लेकिन पहेली की तुलना में मुकरी का ढांचा अधिक निश्चित है। पहेली 2 पंक्तियों की हो सकती है और 4 पंक्तियों की भी, लेकिन मुकरी के 4 चरण एकदम निश्चित हैं। मुकरियों की सृजनात्मकता और व्यंजकता का आधार पहेलियों के यमक श्लेष अलंकार गर्भत्व से अलग काकु वक्रोक्ति आधारित ना उत्तर में है। दूसरी बात, मुकरी 2 जवान सहेलियों के बीच मनोविनोद का बहु प्रचलित मौखिक काव्य रूप है।
इसलिए मुकरी का श्रोता समुदाय पहेली की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। खुसरो की पहेलियों की तरह उनकी मुकरियों पर उनके समसामयिक लोक जीवन दैनिक व्यवहार का बड़ा असर है। मुकरी की रचना दो सहेलियों के सवाल जवाब से होती है। पहली सहेली पहले किसी के संभावित लक्षण का बयान करते हुए सवाल पूछती है और दूसरी सहेली उन्हीं संभावित लक्षणों को ध्यान में रखकर एक जवाब देती है, लेकिन पहली सहेली काक उसे मुकर कर ना ना कहते हुए झट से अपना दूसरा उत्तर जड़ देती है, जैसे कि वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वा के बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। दूर दूर करूं तो दौड़ा आए, छन आंगन छन बाहर जाए, दीहल छोड़ कभू ना सोता, ए सखी साजन ना सखी कूता। काक निर्भरता के कारण मुकरी द्वर्थी होती है, जिससे मुकरी पूछी जाती है, एक अर्थ वह खोलती है और दूसरा अर्थ ना ना करते हुए मुकरी पूछने वाली सखी खोलती है। रोजमर्रा जीवन में घर परिवार से संबद्ध छोटे छोटे प्रसंगों संदर्भों में पति पत्नी के आत्मीय संबंध का तुक बिठा लेना मुकरियों की जान है। घर परिवार की छोटी छोटी चीज़ों से गहरा अपनापा महसूस करने वाला व्यक्ति ही पति पत्नी के मधुर संबंधों की भावभूमि पर ऐसी लोक मनोविनोद की मुकरियां रच सकता है। मुकरियों की यह भावभूमि पहेलियों के समान धर्म संप्रदाय वर्ण जाति के भेदभाव से परे है। दूल्हे दुल्हन के बिना शादी कैसे संभव है? नए पति की हर बात नई पत्नी को मिश्री घुली लगती है। इसीलिए दूसरी सहेली को लगता है कि यह साजन के सिवा भला कौन हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाली सहेली तो मनोविनोद में अपनी सहेली से दो कदम और आगे है। वह काक वक्रोक्ति से दूसरी सखी के मनभावन साजन उत्तर से इनकार कर अपना उत्तर ढोल उसके आगे धर देती है। कारण उत्तर भारत में ढोल बजे बगैर शादी कब होती है? दूसरी बात, इस उत्तर में वह अपने को चतुर और अपनी सहेली को बुद्धू सिद्ध कर मजा लूटती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद ने परंपरागत मुकरियों को घर परिवार के सीमित दायरे से निकालकर राष्ट्रीय चिंताओं से जोड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी मुकरियों को नए जमाने की मुकरियां नाम दिया है। इसके साथ उन्होंने मुकरियों की आंतरिक संरचना में कुछ फेरबदल किया। उन्होंने खुसरो के तकिया कलाम संबोधन ए सखी साजन की जगह प्रश्नवाचक संबोधन क्यों सखी साजन कर दिया। उनका उदाहरण लिया जा सकता है, भीतर भीतर सबरस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अब मैं तुकबंदी सुखन और निस्बत के बारे में बताना चाहूँगा कि तुकबंदी सुखन और निस्बत भी खुसरो के नाम से जोड़ी जाती हैं। संबंध रहित भिन्न भिन्न वस्तुओं को आसुकल्पना प्रत्युत्पन्न मति वाक्य चातुर्य के बल पर उनके बीच संबंध जोड़ते हुए एक छंद में समायोजित करने की कला तुकबंदी कहलाती है। तुकबंदी का प्रयोजन दिल छूना नहीं है, बल्कि दूर की कौड़ी को सूझबूझ से जोड़कर श्रोता की बुद्धि को चमत्कृत करना है। कहा जाता है कि प्यासे खुसरो को पानी पिलाने के पहले पनिहारियों ने खीर कुत्ता ढोल चरखा पर एक तुकबंदी बनाने की शर्त रखी थी और इस पर खुसरो को जो तुकबंदी सूझी वह यह है कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। सुखन फारसी शब्द है जिसका अर्थ है उक्ति या कथन और निस्बत अरबी शब्द है जिसका अर्थ है संबंध। दोनों का आधार है रचने वाले की लोक व्यवहार संबंधी सूझबूझ। दोनों प्रासनिक और श्रोता के लोक व्यवहार के
ज्ञान की जांच पड़ताल और मनोविनोद के मौखिक काव्य रूप हैं। उदाहरण के लिए कि धान सड़ा क्यों, पान अड़ा क्यों, उत्तर फेरा न था। निस्बत का उदाहरण है आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है, उत्तर बाल। खुसरो ने दोहे और गीत भी लिखे हैं। पश्चिमोत्तर भारत की जनता में दोहे और गीत की मौखिक काव्य परंपरा खुसरो से पुरानी है। बाबा शेख फरीद ने खुसरो के पहले दोहे और गीत लिखे और हेमचंद्र ने अपने अभ्रंश व्याकरण में दोहों का संकलन किया। खुसरो ने अपने कुछ दोहों और गीतों में ईरानी सूफी परंपरा और भारतीय लोककाव्य परंपरा को एक भाव भूमि पर ला बिठाया है। दोहों और गीतों का संरचनागत ढांचा ज्यों का त्यों रहने दिया। उनके कुछ दोहे और गीत ठेठ लोक काव्य के रूप में हैं। खुसरो के नाम पर दोहों और गीतों की संख्या पहेलियों मुकरियों की तुलना में बहुत कम है। दोनों के उदाहरण में एक एक देता हूँ। जैसे दोहा का उदाहरण है खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ का दो भय एक रंग। खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जोए, पूत पराए कार ने जल जल कोयला होए। खुसरो के गीत के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दैयारी मोहे भिजोया री साह निजाम के रंग में। दूसरे गीत का उदाहरण है काहे को ब्याही की तरह भारतीय लोकगीतों की भावभूमि पर खुसरो ने सूफी रंगत की कुछ कव्वालियाँ और गजलें भी कहीं। कव्वाली के जन्मदाता वही माने जाते हैं। जहाँ तक गजल का प्रश्न है तो खुसरो के पहले फारसी में गजल की समृद्ध परंपरा थी। स्वयं खुसरो ने फारसी में कुछ गजलें लिखी हैं लेकिन वे मसनवी कसीदा आदि से इसे कमतर और अनगढ़ मानते थे। उनके पहले हिंदी में एक गजल जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर मानी जाती है। उर्दू के कुछ विद्वानों का मानना है कि यह दक्कन के किसी शायर की गजल है और इसका कारण उसकी भाषा है। लेकिन डॉक्टर गोपी चंद नारंग उस जमाने की देहलवी और दक्कनी में बुनियादी फासला न मानते हुए इसे खुसरो की ही रचना मानते हैं। खुसरो की सबसे प्रसिद्ध कव्वाली यह है चाप तिलक सब चीर रे, चाप तिलक सब चीर रे, मुझसे नैना मिलाई रे, चाप तिलक सब चीर रे, नैना मिलाई रे, चाप तिलक। खुसरो बड़े प्रयोगशील कवि थे। खुसरो की प्रयोगशीलता का ताल्लुक छंद शब्दकोश और संगीत क्षेत्र से है। उन्होंने फारसी और हिंदी को मिलाकर कुछ छंदों की रचना की जिसमें जिहाले मिसकी मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतियां वाला छंद बहुत प्रसिद्ध है। खालिक बारी फारसी और हिंदी भाषा का पद्य शब्दकोश है। इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। एहतेसाम हुसैन का मानना है कि आज जो खालिक बारी उपलब्ध है उसमें बहुत कुछ बाद में जोड़ा गया है और खुसरो का लिखा हुआ उसी में लुप्त हो गया है। यह ग्रंथ दो भाषाओं और दो संस्कृतियों के मेल जोल का अच्छा उदाहरण है।
इसके कुछ नमूने आपको दिए जाते हैं। अर्ज धरती फारसी बाशत जमी, कोहदर हिंदी पहाड़ आमद की। आतिश आग आब है पानी, खाक धूल जो बाब उड़ानी। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में ईरानी और हिंदुस्तानी के मेल से साजगीरी, मुवाफिक, बखारज, कव्वाली आदि राग रागनियाँ खुसरो ने बनाई। सितार, तबला, ढोल आदि वाद्य उन्हीं के ईजाद किए माने जाते हैं। खुसरो की हिंदी काव्य भाषा के तीन रूप मिलते हैं, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी। पंडित रामचंद्र शुक्ल खुसरो के हिंदी काव्य में दो प्रकार की भाषाएं मानते हैं। वे कहते हैं कि ठेठ खड़ी बोल चाल पहेलियाँ मुकरियों और दो सखनों में मिलती है, यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों या दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। हिंदी उर्दू साहित्य के ज़्यादातर विद्वान शुक्ल जी की इस बात से कमोवेश सहमत हैं। उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक गोपीचंद नारंग शुक्ल जी की बात को अधिक तार्किक रूप में पेश करते हैं। वे कहते हैं कि वे 13वीं-14वीं शताब्दी में प्रचलित ब्रज और खड़ी बोली के मिले जुले रूप को खुसरो की भाषा मानते हैं, यद्यपि उसमें ब्रज भाषा का तत्व प्रधान है। कारण कि खुसरो के समय में खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा का भाषिक काव्यात्मक विकास प्राचीन है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी शुक्ल जी की पहली मान्यता से सहमत हैं, लेकिन वे खुसरो के नूह सिपहर के मद्देनज़र उनके गीतों कव्वालियों की भाषा का मूल आधार अवधी या पूर्वी को मानते हैं, लेकिन उनकी यह बात तर्कसंगत नहीं है। खुसरो दिल्ली के वासी थे, हाँ उनके गीतों और कव्वालियों पर पूर्वी का प्रभाव का कारण पूरब में उनकी विशेष लोकप्रियता और प्रचार है। दूसरी बात, शुक्ल जी कबीर की तुलना में खुसरो की भाषा को बोलचाल के अधिक निकट मानते हैं, जो सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल सही कहते हैं कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ और कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इसी आधार पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति के साहित्य के लोक जागरण के पहले कवि के रूप में अमीर खुसरो की पहचान की है। इस बात की पुष्टि जनता के बहुत निकट के कवि रूप में उर्दू साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध आलोचक एहतेसाम हुसैन भी करते हैं। खुसरो की यह अमानत आज भी बहुत मूल्यवान है और उसे सहेजने की निहायत जरूरत है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि खुसरो की इस्लाम सत्ता परस्त इतिहासकार और राजश्रित कवि से भिन्न तस्वीर उभर कर सामने आती है। खुसरो एक गैर सांप्रदायिक मेलजोल की भाषा और संस्कृति के हामीदार जनता के कवि है। उनके हिंदी काव्य की वस्तु भाषा, उसके काव्य रूप, छंद का आधार उत्तर भारत की सामान्य जनता का रोजमर्रा का सामाजिक सांस्कृतिक लोक जीवन है। उत्तर भारत की जनता की मौखिक काव्य परंपरा को साहित्यिक रूप देने का पहला प्रयास खुसरो ने किया है।